Hello students, all you, a very good morning to one and all. Myself Rajesh Sharma. Today I am going to teach you the chapter The Three Little Pigs. I hope you all enjoy this story. Once there were three little pigs, Sonu, Monu and Ronu. Ek baar ki baat hai. तीन छोटे सुअर जिनका नाम सोनू मोनू और गोनू थे. सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ होता है घास फूस. तो जो सोनू था वो एक घास फूस के घर में रहता. ये देखा आपने घास फूस का घर, इस पे रहता था. और मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स. और मोनू ये जो स्टिक्स का घर है इस पे रहता था. वन डे A big bad wolf came to Sonu's house. एक दिन एक बुरा wolf भेड़िया came to Sonu's house. सोनू के घर में आया. ये जो सोनू का घर में एक बुरा भेड़िया आया. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. उसने कहा, I will huff and puff. Huff and puff होता है गुस्से में जोर से फुंकार गाना. इसको कहते हैं हफ एंड पफ. ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड ब्लो योर हाउस डाउन. और जोर से फूंक मारकर करके आपका घर गिरा दो. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन. और उसने ऐसा ही किया. उसने ये जो सोनू का घर है इसको अपनी फुंकार से जोर से फुंकार मारी और उस घर को गिरा. सोनू रेन टू मोनूज हाउस. अब सोनू ने क्या किया, दौड़ता हुआ गया और मोनू के घर चला गया. द वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस. और वो जो भेड़िया था अब वो मोनू के घर में भी आ गया. ही सेड, I will huff and puff and will blow your house down. और उसने वही बात की जो सोनू के साथ की. उसने कहा, I will huff and puff. Huff and puff होता है सांस लेकर जोर से फुंकार मारना गुस्से में. उसने वैसा ही किया. कहता उसको कहा कि मैं आपका घर भी जो है, मोनू का घर भी जो है, huff and puff जोर से फुंकार लेकर आपके घर को गिरा दूंगा. So he huffed एंड ही पफ. और उसने जोर से सांस ली और पफ और छोड़ी. एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन. और उसे मोनू का घर गिरा. ये देखिए, आपने देखा उसका घर गिरा दिया. अब क्या हुआ, सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस. सोनू का भी घर गिर गया, मोनू का भी घर गिर गया. अब ये सोनू और मोनू रिंग टू गोनूज हाउस, गोनू के घर में आ गए. ये गोनू का घर है. द वॉल्फ केम टू द गोनूज हाउस. अब वॉल्फ जो है, भेड़िया जो है, केम टू गोनूज हाउस, गोनू के घर पे आ गए. ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड विल ब्लो योर हाउस डाउन. और वही बात जो सोनू और मोनू के लिए कही थी वो बात उसने अब गोनू के लिए भी कही. उसने कहा, आई विल हफ, मैं सांस भरकर जोर से गुस्से से सांस भरकर एंड पफ और जोर से छोड़ूंगा. और आई विल ब्लो योर हाउस डाउन और आपका घर गिरा दूंगा. सो ही पफ हफ्ड एंड ही पफ बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन. उसने जोर से सांस भरी और गुस्से में जोर से गुस्से में सांस को छोड़ा, परंतु लेकिन वो ईंटों के बने हुए घर को, इस घर को वो गिरा ना सका. इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये घर बड़ा मजबूत था. द वॉल्फ वेंट अवे और एंड सोनू मोनू एंड बोनू लिव्ड हैप्पीली टूगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस. द वॉल्फ रेंट अवे. और इस प्रकार जो वॉल्फ है भेड़िया चला गया और फिर सोनू मोनू और बोनू लिव्ड हैप्पीली खुशी खुशी टूगेदर इकट्ठे इन द रेड ब्रिक हाउस इस घर में इकट्ठे रहने लगे. ये आप देख रहे हैं बच्चे, तीनों रहने हैं. तो आई होप यू ऑल एंजॉय द स्टोरी.
तो इसके लिए आप सभी बच्चों को स्टोरी को देखने के लिए हम आपके पास अब एक नए माध्यम से शिक्षा के प्रदान करने के लिए यूट्यूब चैनल से आए हैं, जिसका नाम है सनशाइन पब्लिक स्कूल मूसा चक आरसपुरा। उस चैनल से आए हैं तो आपको इसका पासवर्ड भी मिल जाएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर हमारी सभी वीडियोज़ जो हैं एजुकेशनल वीडियोज़ जो बच्चों को हम आपके पास नहीं पहुँच पा रहे थे, तो आज से हम इस माध्यम से पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी ने स्टोरी को पढ़ा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे सभी इस स्टोरी को दोबारा पढ़ें, रीडिंग करें और जैसे जैसे आपको डायरेक्शन मिलेगी वैसे वैसे आप उस पर काम करें। थैंक यू वेरी मच।